त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट को रोकने के लिए प्रदेश में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्य योजना तैयार की है। अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सामग्रियों के नमूने लिए जाएंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन और सीएमएचओ को भी मिलावट पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। हमारी इस बारे में विशेष अभियान की तैयारियां कर ली गई है और सारे जिले के जो हमारे सीएमएचओज हैं, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, और डायरेक्शन भी जारी कर दिए हैं कमिश्नर साहब ने। इस दौरान विशेष हम सावधानी रखेंगे, मिठाइयां वगैरह ये सब जो है उनकी सैम्पलिंग करेंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि इस दौरान कारोबारी की रहती है कोशिश कि पुराना माल भी खपा दे, जो ख़राब है उसे भी खपा दिया जाए। तो इस पे पूरा विभाग सख्ती से निगरानी करेगा और कोशिश रहेगी इस बार की, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, राजस्थान स्वस्थ रहे और शुद्ध आहार मिले, वो सुनिश्चित कराएंगे। आम जनता को सलाह ये रहेगी कि आप जो भी खरीदें उसे देखें, चखें, सूंघें, और जब आप सुनिश्चित हो जाएं कि प्योर है, मिलावट नहीं है, नकली नहीं है, ताज़ा है, बासी नहीं है, उसके बाद ही खरीदें। ये नहीं कि आपने पैक करा लिया, ये कर दो वो कर दो, उसमें ये सब गुंजाइश ज़्यादा होती है। ट्रस्टेड जगहों पे से लें, दो चार सवाल करें, कब बनाया गया है, कब पैक किया गया है, किस चीज़ से बनाया गया है। पनीर है तो आप खुद बनाते हैं कि बाहर से मंगाया है, पनीर को चेक करें लेने के पहले कि पनीर सही है कि ख़राब है, घी को भी इसी तरह चेक करें, दूसरी सामग्री इसी तरह से चेक करें, तो हम काफ़ी हद तक मिलावट खोरों से बच सकते हैं।